मोहम्मद उम्र कासिम ने तो कब्जा कर लिया। इस्लाम पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद उम्र कासिम ने इस्लाम को फैलाया, लेकिन वो एक गजवा रहती है जिसे कहते हैं गजवे हिनो, और ये मुसलमान लड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम एक इशारे के इंतजार कर रहे हैं। जब हमें इशारा मिल गया तो हमें ऐसे न देखो, हम इन माओ बहनों के इज्जत जो तुम तार तार कर रहे हो, तुम उनके इज्जत जो तार तार कर रहे हो, एक एक के बदला हम तुमसे दिल्ली में लेंगे, हम तुमसे ताजमहल के अंदर लेंगे, तुमसे भी हम बदला लेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने कलिमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आज सिर्फ एहतजाज इसलिए हम रिकॉर्ड करा रहे हैं, इसलिए रिकॉर्ड करा रहे हैं कि पूरी दुनिया सुन लो, ए अक़वामे मुत्तहिदा सुन लो, सलामती कौंसिल सुन लो, तुम्हारे हाथ में एक चूहा मरे, एक बिल्ली मरे, एक कुत्ता मरे, तुम तो रोड़ों को निकलते हो, तुम दहशतगर्द लोगों को करार देते हो, तुम तो निकल चुके होते, लेकिन आज कश्मीरियों के ऊपर क्या हाल है? तुमने पूछा है तुम्हारे कैमरे कहाँ गए? तुम तो कैमरे पकड़ने वाले थे, तुम तो एक चूहे की तस्वीर निकालकर पूरी दुनिया में शाये कर रहे थे, लेकिन हमारे माए बहने कश्मीर के अंदर उनके चादरें उतर रही हैं, उनके उनके बेटे उनके सामने सभा किया जा रहा है, उनको 25 दिन हो गई पानी नहीं मिली। अल्लाह अकबर सा नरे इंसानियत के आलमबरदार है, तुम जाओ कश्मीर में अंदर मुसलमानों को गिनो, अगर अंदर वहाँ हिंदू ज्यादा है तो ठीक है तुम्हारा हुकूमत, अगर वहाँ मेरे मुसलमान है उनके ऊपर कर्फ्यू लगी है, 80% मुसलमान है, तुम जालिम हो, लेकिन किसी को जालिम कहने की जरूरत तुम्हें नहीं है। आज पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, सिर्फ वहाँ खून की रूड़ी खीरी जाती है, वहाँ आप सोचे भाइयों आप सोचे, शराब हमारे ऊपर हराम, खिंजीर हमारे ऊपर हराम, जिना करना हमारे ऊपर हराम, किसी के दरवाजे के अंदर घुसकर देखना हमारे ऊपर हराम, लेकिन इन खिंजीर मुशरिकों के हिंदुओं के जो पेशाब पीते हैं, जो शराब पीते हैं, वो आकर कश्मीरियों की माउंटेनों के साथ क्या करते हैं? तुम लोगों को पता है कैमरे ऑफ है, लाइने ऑफ है, मीडिया ऑफ है, क्यों हमें नहीं दिखाया जा रहा? तो इसलिए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड इसलिए करते हैं, पूरी दुनिया को हम दिखाते हैं कि हम अमन पसंद है, हम मुसलमान है, हम इकदाम नहीं करते, वरना मेरा बच्चा मुजाहिद है, हम पे त्यागो सिपाही है, हम पे त्यागो सिपाही लड़ते हैं, हमें एटम बम की जरूरत नहीं है, हम कहने के ऊपर जोर के लड़ते हैं तो हम निकल चुके होते, लेकिन हम अमन पसंद है, हम इकदाम नहीं करते, हमारे निकलने की वजह से इन कश्मीरियों को तकलीफ होगा, लेकिन तुमने जो दरवाजा खोला है वहाँ कश्मीर के ऊपर 70 सालों से तुम्हारा जुल्म शुरू था, हम देख रहे थे कश्मीर की जमीन पर खतरा ये हमारे मुजाहिदों की वहाँ गिरा हुआ है, लेकिन एक नया बाप तुमने रखा है, लेकिन आज मुसलमान इंशाल्लाह रसूलुल्लाह पर दाखिल होंगी, राजा दायर से लड़ेंगी, राजा दायर को पाश करेगी, और फिर पाकिस्तान की जमीन अल्लाह देगा, फिर महमूद गजनवी
कश्मीर तक जाकर वहाँ रुका और उनकी जिंदगी की सांसें खत्म हो गई। आगे मैं महमूद गजनवी हो, मैं मोहम्मद बिन कासिम हो, इंशाल्लाह तुम जो फिल्मों में औरतें हमें दिखाता है, तुम जो फिल्में हमें भेज रहा है, हम मुसलमान माल के लिए गनीमत के लिए नहीं लड़ते, लेकिन हम जब दिल्ली पहुंच जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो तुम्हारे वो औरतें हमारे बांदियां हो गई, तुम्हारा ताजमहल हमें गनीमत में मिलेगा। लेकिन हम अमन पसंद है, हमने आज तक अमन की बात की, हमारा वजीर आजम साहब ने भी अमन की बात की, हमारा फौज भी अमन की दावत दे रही है, पूरी दुनिया को दिखा रही है कि हम मजलूम हैं। लेकिन मजलूमियत की आज 25 दिन हो गए, तुम्हारे अंदर बिजली ना हो तो तुम्हें क्या करें, पानी ना होती, अस्पताल ना होता, स्कूल बंद होते, खाने को कोई चीज ना मिलता, तुम्हारे ऊपर क्या गुजरती है। आज मेरे जो रिश्ते ला इलाहा इल्लल्लाह होते उनके साथ है, क़यामत के दिन वो कहेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह अल-मुस्तदाफीना मिनर रिजाले वन्निसाए वल-बिल्दाने यकूलूना रब्बना अख़रिजना हाज़िहिल क़रियतिल ज़ालिमी अहलुहा। इन लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगी ए अल्लाह पूरी दुनिया हमें तमाशा देख रही थी, हमारा कोई इमदाद करने वाला नहीं था, हमारा चादर को उठाकर ऊपर को डालने वाला नहीं था, अखरी ना हाजिर करियती जालिम अहलुहा वो जाल लना मिल लदुन तो वली वो जाल लना मिल लदुन कर से, तो हमारा क्या जवाब होगा। तो इंशाल्लाह हम ऑर्डर के इंतज़ार है, हम हर मुजाहिर है, हमारे हर बच्चा फौजी है, हमारे हर बच्चा कश्मीर के खून की बदला लेने के लिए मुजाहिद है, तैयार है इंशाल्लाह। लेकिन सुनाएंगे अपने अफवाज से हम दरख्वास्त करते हैं, अपने वजीर आजम से हम दरख्वास्त करते हैं कि दुनिया की जुल्म तुमने देख लिया, दुनिया की तमाशाई तुमने देख लिया, एक अमेरिका है उसने सिर्फ एक बात ही की थी कि तुम जुल्म में कमी करो, ये बात काफी हो गई। तुम्हारे ह्यूमन राइट्स ये बता रहा है तुम्हारे एनजीओ की तंजीमें दुनिया में से फंड इकट्ठे कर रही है, हुकूक वहाँ पामाल होते हैं, कश्मीर के अंदर वहाँ हुकूक पामाल होते हैं, कोई किसी ने आवाज नहीं उठाया। हम दरख्वास्त गुजार पूरी दुनिया को करवाते हैं, आगे जो होगा वो हमारे बड़े हैं हमें इशारा देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। मुसलमान दी कमजोरी ने गुनाह न की कमजोरी खुदा इलाहा इल्लल्लाह हुई हाँ मुसलमान ने अल्लाह
फरिश्तों रावलेगा तो बदर पशान की इम्तिहान बदर पशान की चिकन दे इम्दाद रावलेगा या अल्लाह दा वक्फल इम्दाद मसरक चिकन दा खुल तरफ ने होगा या अल्लाह मोदी तबाह बर्बाद का आमीन या अल्लाह मोदी तबाह बर्बाद का आमीन ना पूरी पिंदी शुरू तो पूरी मुंह ना सबर कर ले पिंदी शुरू तो पूरी मुंह तो नहीं ली तो मुंह सबर मुंह तो बच्चे ले या अल्लाह आजम ने हलाका आमीन आजम ने हलाका आमीन या अल्लाह सिंह